उलेमा हिंद द्वारा आयोजित मिल्लत ये आज जलसा कौमी एकता के लिए आयोजित किया गया है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। मैं सभी को बधाई देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार तमाम हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई सब ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था, मुसलमानों का भी कम इसमें हिस्सेदारी नहीं है। सभी की हिस्सेदारी बराबर की है। ये मुल्क हमारा सबका है और इसको जो हमारे मैं आज के दिन बाबा अंबेडकर जी को भी याद करना भूलूंगा नहीं। उन्होंने इतना अच्छा हमारे को आयन दिया है, अगर हम इसका पालन करें तो हमारे कभी नाइतफादी कभी होगी नहीं। मैं इस मुबारक मौके पर सभी को मुबारकबाद देता हूं और ये सबसे इंतजार करता हूं कि हम बड़े प्यार से ये जो खूबसूरती है हमारे देश में तमाम बिरादरियां रहती है, यही एक इसकी एकता की खूबसूरती ये इसी कारण से है। अगर यहाँ एक कौम होती तो रोज झगड़े हो रहे होते। ये तो तमाम लोग हैं, ये गुलदस्ता है, इसे संभाल के रखें, यही मैं चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब माशाल्लाह, चेयरमैन साहब ने बहुत ही अच्छे अल्फाज और बहुत ही अच्छी बातें कही। यकीनन एक साथ मिल बैठ कर और इत्तेहाद इत्तेफाक से अगर ये मुल्क चलेगा तो तरक्की पर गामजन रहेगा। मैं अर्ज कर रहा था जमीयत यूथ क्लब के बारे में। आप हजरात को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जमीयत यूथ क्लब एक खादिम की हैसियत से ट्रेनिंग का काम देती है और जैसे मुल्क को मिल्लत और कौम की हिफाजत करने वाले मुख्तलिफ महकमे हैं, पुलिस है, वो मुल्क की और मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत करती है। हमारी फौज है, वो मुल्क की और मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत करती है। ऐसे ही जमीयत यूथ क्लब, बल्कि स्कॉट के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी कौम और मिल्लत के खिदमतगार होते हैं, खिदमत करने वाले होते हैं। इसको इन लोगों को यही सिखाया जाता है कि अपने भाई की मदद कैसे कर सकते हैं, अगर कोई परेशान हाल है, आग में फंसा हुआ है तो उसे कैसे निकाला जा सकता है, अगर कोई डूब रहा है तो डूबते हुए को किस तरह बचाया जा सकता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर तक उसे ले जाना है तो किस तरीके से, अगर दो इंसान हैं तो वहां तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है, अगर कोई भेड़िया आप पर हमला आवर हो सकता है, हो जाए और आपके हाथ में एक डंडा है तो उससे आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, ये तमाम चीजें इनको सिखाई जाती हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए मैं अमरोहा शहर के तमाम बाशिंदों से दरख्वास्त करता हूं, बल्कि हमारे शहर अमरोहा के जो हजरात स्कूल और कॉलेज चलाने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इस स्काउट में और जमीयत यूथ क्लब में हिस्सा लें और अपने बच्चों को इसमें शामिल करें ताकि वो आगे कौम और मिल्लत की खिदमत कर सकें। हमारे इस शहर के जो ट्रेनर हैं और स्काउट के जो जिम्मेदार हैं अजय कुमार साहब हमारे स्टेज पर मौजूद हैं, खड़े होइए जरा। अजय कुमार साहब